अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज ईद है, बकर ईद है। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से बकर ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोग ईद भी कहते हैं, तो चलो अभी समझ में नहीं आता ईद क्या, हम लोग बकरीद कहते हैं, कोई ईद कहते हैं, कोई हम बकरीद कहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सब ईद ही ईद बोले। तो सभी को ईद मुबारक हो। और हमारा खाना हो गया है रेडी, तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज है बकरीद और आप सभी को बकरा ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। और अभी बज रहे हैं एक और खाना बना लिया है, तो बस और देखो आज मैं है अपने न्यू न्यू ड्रेस पे गई हमारी बहन ने, क्यूट लग रही है ना गाइस। मेरा और आपकी का फाइनल लुक जो पेड़ पे बना मैं यार, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिख रही है। मेहर बोली बकरा नहीं लाना, गाइस मैं आपको फुल लुक दिखा दी हूँ मेहर पे। देख सकते हैं मेहर भी का फुल लुक कितनी क्यूट लग रही है मेहर पे हमारी। मैं भी दीदी को हाय बोलो, बोलो बकरा ईद मुबारक हो। मेहर भी अपना बिजी है, बोलो ना बकर ईद मुबारक बोलो। तो गाइस ये मेरी मेहंदी है, आपकी मेहंदी दिखाओ। मैंने जो लगाई नहीं, ये लगाई क्या मैंने? हाँ इधर भी लगाई और इधर भी लगाई मैंने, हाथ में मेहर पी को इधर इधर भी लगाया। हाँ तो मेहर पी की तो ईद है और मेरी भी ईद है। मैंने देखो घड़ी पहन लिया, घड़ी पहनने के बाद मेहंदी लगा लिया। तो ये देखो मेहर पी का फुल लुक। मेरे बोलो ईद मुबारक, बोलो मैं भी ईद मुबारक बोलो, बोलो ना बकरा ईद मुबारक बोलो जिंदगी। मैं हर फिर हमारी बोल नहीं रही है, तो हम बोलते थे कि आपको मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक हो बहुत बहुत। और और ये वाले हाथ में भी लगाया है, क्या आप लोग देख सकते हैं हमारी मेहंदी काली हो गई है माशाल्लाह। अभी चलते हैं खाना खाने, फिर बताएंगे कैसा बना है। सभी हम खाना खाने वाले, तो आपको दिखाते हैं खाने में आज क्या क्या बना। आज बहुत अच्छी चीज़ बनी है और अब हम खाएंगे खाना, तो हम आपको दिखाएंगे पुलाव, पराठा एंड चिकन उधर गया है। तो चलो आज तो गाइस अब हम आ चुके हैं इधर। तो गाइस ये है हमारा लंच, तो हम लंच करते हैं माशाल्लाह। देखो चिकन पराठा पुलाव। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा खाना हो चुका है, खाना बड़ा मज़ेदार का था। तो हमने पराठा और चिकन और पुलाव बनाया था, हमने खा लिया है। और इस बार हमारा कुर्बानी का बकरा नहीं आया, इसलिए कि बजट बहुत दाम बहुत ज़्यादा था इसके लिए। फिर भी अभी देख रहे हैं, अगर मिला तो करेंगे, नहीं तो इस बार नहीं। तो बोलिए आप लोगों की बकरीद कैसे गुजरी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हाँ स्टे, तो हमारा खाना पीना हो चुका और क्या। तो ये है हमारा फुल लुक, कैसा लग रहा है मिस्टर? बहुत अच्छा। मैं कैसे दिख रही हूँ? बड़ी प्यारी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप प्यारी दिख रही हो। थैंक यू। आपका ड्रेस और मेरा ड्रेस मैचिंग हो गया है ना। तो चलो हम लोग बहुत खुश है, ज़्यादा भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी कितना, अभी 3 बजे। सो गाइस अभी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रहा है। हम लोग कितने बजे, रात को 2:30 बजे सोए और सुबह 5 बजे उठ गए। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है और मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर देखते हैं कितने बजे उठते हैं, फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम सब ठीक। तो आज है ईद का सेकेंड डे, माशाल्लाह से मैंने दिन भी एक दिन पहले लगा लिया मस्त। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ इधर बैठने और आज ईद का सेकेंड डे। तो मैं आ चुकी स्कूल से, जिससे आप देख सकते हैं मेरे दो पोनी बांधे हैं
और बस मैं जाके आ गई हूँ स्कूल से और मैंने जस्ट फट कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े चेंज करके आपके साथ फिर भी बना रही हूँ, मतलब आपके ब्लॉगिंग कर रही। तो गाइस बस अब देखते हैं हम लोग क्या करने हैं, और मैं जो बना रही है खाने में मटन, हम मटन खाएंगे, खाना खाएंगे खाना, फिर मम्मा आज खाना खा रही तो आपको दिखाऊंगी क्या बनाती हूँ। और वो इसी छोटे कुकर में बना रही जो हमने अनबॉक्सिंग किया था उस वीडियो में, जिसे आप अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए वो वाला ब्लॉग, माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लॉग था वो, आप लोग जाके देखिए प्लीज़। जिसने नहीं देखा नया कुकर होगा वो ब्लॉग देख के, नए कुकर में आज खाना बन रहा है पहली बार, तो न्यू कुकर का पहला दिन है आज हमारे घर में, और फिर देखते क्या है और देखते नए कुकर में आज मम्मा क्या बना रही है। नए कुकर में जैसे भी हम दाल चावल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बड़े कुकर में हम दाल चावल बना चुके हैं, तो देखते हैं मम्मा आज क्या बनाएगी नए कुकर में, कुकर में देखते हैं। वैसे मम्मी आज क्या बनाएगी, और मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा के गई थी, मैंने दो पूरी बनाए मम्मी से और जल्दी जल्दी नहा के गई ऐसे गई थी ऐसे, तो मैं तो बस अभी मैं चलती हूँ गैलरी और देखते हैं कैसा व्यू हो रहा है, क्योंकि धूप तो बहुत है आई नो, बट तो आ चुकी हूँ मैं गैलरी। हाँ नए कुकर में तो मम्मी ने पहले ही वो बनाया था, क्या नाम है उसका, पुलाव बनाया था ईद के दिन, तो वो इसका उद्घाटन तो हो चुका है कब का, बस उसमें खाना बच चुका है। और बस अभी हम लोग अभी देखते हैं जो मैं खाने में क्या बनाएंगे, तो आपको भी बता दूँ। और कुछ यहाँ पर मैंने धोने के लिए रखा है, तो ये सब देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। बस अभी हम अभी देखते क्या करते हैं हम, और मैं स्कूल से आए बहुत जर की धूप थी, तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अभी इधर बेडरूम, और आ गई और मम्मी ने क्या मम्मी अमन चित्त फिर से आ गई, मैं बेडरूम बैठने के लिए मुझे बहुत बोल रही, मुझे इसलिए बोल रहा था क्योंकि साहिल भी नहीं घर में, क्योंकि साहिल का आफ्टरनून शिफ्ट हो गया, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, इसलिए हम दोनों को बहुत बोलते हैं। तो बस अभी देखते हैं साहिल आएगा तो होगा, फिर अभी एक बजे तक सो जाती हूँ, फिर सोने के बाद आपको बताती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे सोने के उठने के बाद आपको बताती हूँ क्या करना है कि बजे नहीं आ सकता, तो ठीक है चलो मैं सो जाती हूँ, फिर आपको देख के सोची उठ चुकी हूँ, अभी और बहुत जल्दी नहीं आई थी मुझे, तो सोचो कि उठ गया उठ चुकी हूँ, मैं खाना बना रही एकदम जी, अभी जब पता नहीं क्या बन रहा है, मेरे पास एक काम जब कर रहा है वही मैं खाती, तो गाइस अभी सोची उठ चुकी हूँ बोलने दो, तब मैं नहीं खाऊँगी आम का, ये आम जो का इस तरीके का पता नहीं दिख रहा है कि नहीं उल्टा ना मिल रहा है, फ्रेंड कह रहा है बट कहीं नहीं मिलता है, तो अभी इसको मैं बाहर टिकट दिखाती हूँ, मुझे अच्छी तो मिल रही थी दाँत से देखते हैं, फट चुका था दिखा दिया पहले मुझसे फटा नहीं, पर मैंने क्या सीधे लाया अब उसको काफी मैंने खा के फेंक दिया, अब इसमें कितनी कुछ पकड़ी थी सॉरी भी खाद गिनने के लिए आए थे मैं गिनने नाइन गोली निकली गाइस सची, ये नहीं आपको दिखाती हूँ गोली अब देखिए लगा ये पूरी नौ गोली मास्टर से आठ निकल से तीन निकलते हैं ऐसे निकलते हैं, एक आएंगे दो आएंगे दस बाकी कर देंगे गॉड तक खान चुके नौ खाएंगे, तो मैंने इसको पैक कर दिया, तो बस कैसे बड़ा ये नहीं मिक्स एक और चीज़ है ये भी बहुत तेज़ रखते हैं
पता नहीं तो यहाँ पे बारिश हो गई है। ये सब बहुत एक चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सीजर रखा था और वो सीजर अभी तक मुझे मिला नहीं। कब हमने कहीं तो चाकू रखा वो भी अभी तक नहीं मिला। मैंने सोचा ये हम क्या करें, ये चाकू सीजर हम कहाँ जा सकते हैं। कमेंट जरूर डाउन कर लीजिएगा। वो बोलो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बड़ा जरूरत होगी जिसका नाम नहीं पता है ना, पता ही पता है लोगों को। मैं इसको पूरा क्यों देती हूँ, जोजिया इसका नाम जोजिया और सब दिखता है जोजिया भी जमीन पे खाते ठीक है। दो वाले पार्टी पैसे चुकाने की बहुत करते हैं। मैं वापस इसके अंदर आ ये इतना खट्टा ना मैं खाऊंगी ये जल्दी कुछ अस्तिक में आप लोग जरूर लीजिएगा। मैं खा के देखो बार बार खाओगे सच में, बट बहुत खट्टा है। ओ मुझे गोली गिर गई। सब उसके अंदर ही रखेंगे गिर गई थी। इसको अंत तक के कोई से डल करके इधर रखते हैं और चीज़ें को जल्दी मत खाइए बहुत खट्टा है। अच्छा करते हैं मैम खाते खाते तो खट्टा लग रहा है। ट्राई आप लोग भी ट्राई करें। ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, ये मेरा पर्स मतलब इसमें मैं मेरा हर चीज रखती मेरे चलो जीरा में ये आम तक के मेरे पैसे सब इसलिए मैं इधर रखती हूँ। ईदी वगैरह सब चीज़ में सब संभाल के रखी मैं आश्रय से और जब से मैं इधर ही बैठ के करूँगी हूँ नहीं। आप लोग बिरयानी मत खाइएगा क्योंकि नहीं आप लोग बिरयानी चिप्स मत खाइएगा मेरे बिना मेरे बिना मत खाइएगा गाइस। हमको बुलाना फिर हम खाएंगे। नहीं गाइस मजाक कर रही हूँ, आप लोग हमारे बिना नहीं खाना। चलो आप सभी को बकराई दूसरा जी ने तो मुबारक हो उसकी ना उस पे से हम एक वो खाते हैं क्या पूछो आम का इसकी इस शेप की राउंड ऐसी ही ना कॉकरोच की दवाई भी मिलती है बट नहीं ये आम टक्का ये कहीं पर भी आपके ये शॉपिंग जाइए खा सकते हो ऐसे। बट ये हाजमे जैसे लगते हैं बट थोड़ा टेस्ट खट्टा होता है किसका मीठा होता है किसी किसी में चार भी निकलता है तीन भी निकलता है ऐसा होता है। बस आप लोग भी ट्राई करिए। चलते बाहर अभी धूप आए क्या नहीं थोड़ा धूप कम हो गया इसलिए चलते बाहर। हाँ मस्त अभी धूप हो गया कम
लग भी नहीं रहा है कि 2 बज रहे हैं। ईद के दिन तो मैं 3 बजे खाना खा के हो गया था हमारा। तो गाइस यहाँ से मैं ये कपड़े उठा देती हूँ, मम्मा का मिक्सी है हमारे घर, मेरी मम्मा का मिक्सी है तो ये उठा देती हूँ। हमारा मिक्सी और ये मेरे ड्रेस की चूल्टा मतलब अभी कभी देखा थी कुछ इस तेज का हो रहा है। सलवान दर्शन दे।